Today we are going to start our moral science class. Okay? You should take this book. It is your moral science book, Heart and Mind. Okay? Our first lesson, be grateful to God. Children, what do you mean by grateful? Grateful means thankful. Dhanyavad. Hum God se kaise dhanyavad bolna chahiye? Kyon dhanyavad bolna chahiye? Okay? Let us learn these things in this lesson. Okay? Let us start. Children, now I am going to start the reading. You should keep your index finger under each word. Okay? Let us start. First, the beautiful world where we live is a creation of God. ये हम लोग रहते हैं, ये beautiful world किसने बनाया है? God ने बनाया है. ये God का creation है. It has wonderful natural things. We are able to enjoy the wonderful things because God has gifted us with life, body, soul and different sense organs. ये world का पूरा things हमें क्यों enjoy कर सकता है? क्योंकि God ने हमको life, body, soul and different sense organs दिया हुआ है. Which are the sense organs? Yes, eyes, ears, nose, skin and tongue. Yes, you know that. Then इसकी वजह से हमें ये world में है वो पूरा things enjoy कर सकता है. Here you can see a boy. What is he doing? Yes, he is praying. Look here. God made the sun and God made the trees. God made the mountains and God made me. वो बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं? ये सन गॉड ने बनाया है, ट्रीज गॉड ने बनाया है एंड माउंटेन्स गॉड ने बनाया है और मेरे को भी गॉड ने बनाया है. देन थैंक यू ओ गॉड फॉर द सन एंड द ट्रीज फॉर मेकिंग द माउंटेन्स एंड फॉर मेकिंग मी. मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ क्योंकि आपने सन ट्रीज माउंटेन्स एंड मेरे को भी बनाया हुआ है, इसलिए मैं थैंक्स बोलता हूँ. है ना, ये बॉय प्रेयर करते हैं. प्रेयर करते जब क्या बोलता है? धन्यवाद बोलता है गॉड को. ओके, टेक द नेक्स्ट पेज. यू शुड ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू गॉड. हम हमेशा गॉड को धन्यवाद बोलने वाला व्यक्ति होना चाहिए. You must admire and keep the gifts of nature clean and beautiful. हम गॉड को एडमायर करना और वो नेचुरल गिफ्ट्स क्लीन एंड ब्यूटीफुल रखना चाहिए. Always have faith in God. Always have faith in God. God में विश्वास रखना चाहिए. Trust Him completely. Thank Him by way of prayer. Okay, we can read the story. What is its heading? God is supreme. God is supreme. It was morals period. A concept period tha? Moral science ka period tha. The teacher taught a lesson about God. टीचर ने गॉड के बारे में एक लेसन सिखाया. आफ्टर द लेसन वॉज फिनिश्ड. आफ्टर द लेसन वॉज फिनिश्ड ए चाइल्ड आस्क्ड मैम वर शुड वी प्रे टू गॉड. ये टीचर ने क्लास लेने के बाद एक बच्चा ने टीचर से पूछा, मैम वर शुड वी प्रे टू गॉड, हम कहाँ पर जाकर प्रेयर करना चाहिए. द टीचर रिप्लाइड,
टीचर ने क्या बोला, देखो, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, गॉड सारे जगह पे है, ही इज ओमनीप्रेजेंट, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनीप्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर. जस्ट थिंक ऑफ गॉड एंड ही विल बी विथ यू. सो यू कैन प्रे टू गॉड एनीवेयर, हाउएवर द प्लेस शुड बी नीट एंड क्लीन. हम अच्छा नीट एंड क्लीन वाला जगह पे कहीं पे भी होकर प्रेयर करो, गॉड हमारा प्रेयर सुनेगा. ओके चिल्ड्रन, अभी हमने क्या लर्न किया, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ही इज ओमनीप्रेजेंट. गॉड एक जगह पे होते ही क्या, सिर्फ मंदिर में, चर्च में, नहीं तो मॉस्क में होते ही क्या, नहीं, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर. हम जस्ट गॉड के बारे में सोचना, उस समय गॉड हमारा साथ में है. ओके नेक्स्ट पैराग्राफ, मैम हाउ पावरफुल इज गॉड, आस्क्ड अनदर चाइल्ड. हाँ नेक्स्ट बच्चा ने क्या पूछा, मैम हाउ पावरफुल इज गॉड, गॉड कितना पावरफुल है. द टीचर रिप्लाइड, गॉड इज द मोस्ट पावरफुल, गॉड इज द मोस्ट पावरफुल, सबसे पावरफुल कौन है, गॉड. ही इज ओमनीपोटेंट, ही इज ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट मीन्स मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, ओमनीपोटेंट. ओके When he saves you, nobody can harm you. जब गॉड हमें सेव करता है तो किसी को भी हमें हार्म नहीं कर सकता है. However, when he punishes someone, अगर गॉड किसी को पनिशमेंट देता है तो nobody can save that person. अगर गॉड ने किसी को पनिश दिया है वो किसी को भी उसको बचाना नहीं सकता है, इतना पावरफुल है गॉड. गॉड इज ओमनीपोटेंट. ओके सो यू ऑल शुड ऑलवेज एक्ट इन ए वे दैट प्लीजेस गॉड. हम हमेशा गॉड को जो पसंद होता है वो करना चाहिए. गॉड हमेशा अच्छाई करने के लिए हमें बोलता है. ओके नेक्स्ट है, मैम डज गॉड नो अस, आस्क्ड ए लिटिल गर्ल. वो लिटिल गर्ल ने क्या पूछा, मैम डज गॉड नो अस, गॉड हमें जानते हैं क्या. यस गॉड नोस एवरीथिंग एंड एवरीबडी, गॉड सब कुछ जानता है और सबको जानते हैं. ही इज ओमनीसाइंट, ही इज omniscient, omniscient means he knows everything and everybody. Okay, sab kuch jante hain. He is all knowing, how is he is all knowing, god ko sab maloom hai. Nobody in the world is a stranger to god, god ke liye hum koi bhi stranger nahi hota hai, hum sabko god जानते हैं. यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम गॉड, हमको गॉड के सामने से कुछ भी हाइड नहीं कर सकता है, कुछ भी छुपा कर नहीं रख सकता है. गुड एंड बैड डीड्स ऑफ ऑल द पीपल आर नोन टू हिम, गुड एंड बैड डीड्स ऑफ ऑल द पीपल आर नोन हिम. लोग गुड करता है, बैड, गॉड सब कुछ जानता है. सो यू ऑल शुड ट्राई टू कल्टिवेट गुडनेस इन योर वर्ड्स एंड एक्शंस. ओके सो यू ऑल शुड ट्राई टू कल्टिवेट गुडनेस इन योर वर्ड्स एंड एक्शंस. ओके द बेल रैंग एंड द टीचर वेंट आउट ऑफ द क्लास,
बेल बजा, टीचर क्लास की बाहर गया। द चिल्ड्रन से थैंक यू मैम। हाँ, आप भी करते हैं, टीचर पढ़ाने के बाद क्लास से बाहर जाता है तो क्या बोलता है? थैंक यू मैम। हम हमेशा कैसे होना चाहिए? थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। ओके, हम कैसे होना चाहिए? यस, वी शुड ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू गॉड। ओके, टेक द नेक्स्ट पेज। चिल्ड्रन, यू शुड अंडरस्टैंड दैट गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ओके, हम लोग क्या समझना चाहिए? गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। He is the most powerful and knows everything. He is the most powerful and knows everything. ये लेसन में हमने ये लर्न किया है, God is present everywhere. God सारे जगह पे है. He is the most powerful. वो सबसे powerful है. And He knows everything. God सब कुछ जानता है। ये लेसन में से हमें क्या समझ में आ गया? यस, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, गॉड इज द मोस्ट पावरफुल एंड गॉड इज ऑल नोइंग। गॉड सारे जगह पे है, सबसे पावरफुल है और सब जानते हैं। कंप्लीटली डिवोटेड टू हिम इन योर प्रेयर्स। ओके, बिफोर दैट यू शुड सरेंडर योरसेल्फ At the feet of God. हम हमेशा God के सामने हमें surrender करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए. You should also learn to say thanks to other people. हम God को thanks बोलता है, साथ में हाँ दूसरे लोगों को भी thanks बोलने के लिए सीखना है. Okay, next. God is omnipresent, omnipotent and omniscient. He has blessed us with many gifts. क्या क्या gifts से हमें bless करके रखा है? Okay, life, body, soul and 5 sense organs. Okay, develop a habit of thanking God by praying to Him. डेवलप ए हैबिट, कौन सा हैबिट डेवलप करना है? थैंकिंग गॉड बाय प्रेइंग टू हिम। हम प्रेयर करते जब गॉड को थैंक्स बोलने के लिए सीखना, ये हैबिट होना चाहिए हमें। ऑलवेज रिमेंबर गॉड इन ऑल योर वर्क। हमारे सारे वर्क में गॉड को याद करना चाहिए। चिल्ड्रन, यू शुड रीड दिस लेसन एटलीस्ट 2 times. नेक्स्ट The heading, show your learning. Here, first exercise, complete the following sentences. Complete the following sentences. इधर 3 sentences दिया हुआ है, हमको वो fill करना चाहिए. Okay, first, the beautiful world where we live is a creation of God. ये beautiful world हम जो रहता है वो क्या है? Is a creation of God. Okay, next, we are able to enjoy the wonderful things because God has gifted us with life, body, soul and different sense organs. Okay, God हमें ये enjoy करने के लिए क्या क्या दिया है? Life, body, soul and different sense organs. Okay, next, 3rd one, you should always remain, hum kaise hona chahiye? Yes, grateful to God. Hamesha God se grateful hone wala banna chahiye. Okay, now we understood about God, isn't it? Who is God? What are the things that God has given us, and where is God? How can be grateful to God or thankful to God? Okay, here you have to write the exercise A, complete the following sentences. Now the 3 sentences you have to write in the
copy. So you should buy a 4-line copy of 100 pages. Okay. Then the exercise B and C you can write in the book itself. Okay. Let us meet in the next.